फिर मैं आज आप लोग को बताऊंगा i20 टाइप वन अस्टा है, वो स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो मैं उसको चेक करूंगा क्या प्रॉब्लम है उसमें। उसमें फ्यूल नहीं आ रहा है और उसके कॉइल में करंट भी नहीं आ रहा है, तो उसको मैं चेक करूंगा। और जितने लोग मेरी वीडियो पे ना, मेरी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन लगा दो ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुँचते रहे। देख सकते हो इसमें सब लाइट शो कर रहा है, क्रैंकिंग भी हो रहा है बट ये स्टार्ट नहीं हो रहा है। लाइट आ रहा है इसमें, चेक इंजन लाइट, क्रैंकिंग हो रहा है बट ये स्टार्ट नहीं हो रहा है। मारो मारो, बस लगा दो, मारो। लग गया, लग गया। देख सकते हो फ्रेंड, इतना लॉन्ग क्रैंक होने के बाद भी ये स्टार्ट नहीं हो रहा है। मैं इसके स्पार्क प्लग में करंट चेक करूंगा, इसके स्पार्क प्लग को बाहर निकालूंगा और करंट सप्लाई चेक करूंगा इसमें। मारो सेल, मारो तो मार सेल पर, मार लगा रहे बैटरी बस। देख सकते हो फ्रेंड, इसमें करंट नहीं आ रहा है इसलिए ये स्टार्ट नहीं हो रहा। करंट आता तो स्टार्ट हो जाता बट इसमें करंट ही नहीं आ रहा है। और मारो, मैं उसका फ्यूल लाइन भी चेक करूंगा फ्यूल आ रहा है कि नहीं। मैं इसका फ्यूल वाला पाइप निकालूंगा रेल प्रेशर से, जो टैंक से डायरेक्ट पाइप आया है रेल प्रेशर तक, उसको निकाल के चेक करूंगा फ्यूल आ रहा है कि नहीं। ये पाइप लगा हुआ है, चली धीरे से गंदा पता चली था है, पब्लिक मन खोजते का हो रहा इसमें। फ्रेंड फ्यूल भी नहीं आ रहा है, हम लोग फ्यूल पंप का फ्यूज चेक करेंगे। ये फ्यूज लगा हुआ है 20 एम्पियर का फ्यूल पंप का, ये फ्यूज को चेक करेंगे। ये फ्रेंड फ्यूज ठीक है, इसका फ्यूल पंप का फ्यूज है ये। ये भी फ्यूज ठीक है इसका पंप का। अभी उड़ा हुआ नहीं है ये फ्यूज, मैं इसको वापस लगाऊंगा।
इसका वायरिंग चेक करूंगा मैं, इसका फ्यूज ठीक है। उधर से सही है? ये फ्रेंड पंप का वायरिंग है, जो टैंक में पंप लगा हुआ है ये ठीक है। ये क्रैंक सेंसर का वायर है, कटा हुआ देख सकते हो। मैं इसके क्रैंक सेंसर के वायर को ज्वाइन करूंगा और फिर स्टार्ट करके चेक करूंगा, क्योंकि इसके क्रैंक सेंसर से भी स्टार्टिंग प्रॉब्लम हो सकता है, फ्यूल नहीं आएगा और करंट भी नहीं आएगा, क्योंकि ECM से कनेक्ट रहता है ये क्रैंक सेंसर। मैं इसको टेम्प्रोरली ज्वाइन कर दिया हूँ, स्टार्ट करके चेक करूँगा एक बार। अच्छे से लगाओ। गाड़ी वाले जो लिए उसको देने के लिए जा रहा था, फिर गाड़ी बंद हो गया। मारो से जाओ तो लगा मार। देख सकते हो फ्रेंड अभी ये स्टार्ट हो रहा है, इसका क्रैंक सेंसर के वायर को मैं ज्वाइन किया हूँ तो स्टार्ट हो रहा है, और निकाल रहा हूँ तो बंद हो जा रहा है, मतलब इसके क्रैंक सेंसर में प्रॉब्लम है, इसका वायर कटा हुआ है और ये ECM को सप्लाई नहीं दे पा रहा है, इसीलिए इसमें फ्यूल नहीं आ रहा है और करेंट भी नहीं आ रहा है स्पार्क प्लग में। तो मैं अभी इसको ज्वाइन किया हूँ तो ये स्टार्ट हो रहा है, इसके क्रैंक सेंसर में प्रॉब्लम था। और फ्रेंड फिर मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, और जितने लोग मेरे वीडियो पे नए थे मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुँचते रहे।